दोस्तों, आज हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू नेगेटिव 3। अब जब हम स्क्वेयर उधर लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा और साथ में प्लस माइनस का साइन। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, अब हम इसको √3 को ब्रेक कर सकते हैं, √3 और √-1। और हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टार्टिंग में √-1 किसकी वैल्यू है, आयोटा की। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस √3 आयोटा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक है, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आपके पास, 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए हमें 10th वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, एक्स स्क्र का कोफिशियंट क्या है, 2। तो a हमारे पास 2 है, x का कोफिशियंट क्या है, 1। तो b की वैल्यू 1 है और कांस्टेंट क्या है, 1। तो c की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमारे पास x का क्या फॉर्मूला था, नेगेटिव बी प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2। तो पहले हमने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1। तो 1 स्क्वेयर 4 इंटू 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 8। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, नेगेटिव 7। अब सभी वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या है, 1, तो नेगेटिव 1, और डी की वैल्यू नेगेटिव 7, और ए की वैल्यू 2। तो ये आ गया हमारे पास नेगेटिव 1 प्लस माइनस, अब रूट में नेगेटिव है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 7 आयोटा डिवाइड बाय 4। तो ये हमारी है क्या है, एक्स की वैल्यू। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 9। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट 1, एक्स का कोफिशियंट 3 और कांस्टेंट है 9। तो हमारे पास फॉर्मूला है नेगेटिव बी प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2। तो पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, 3 का स्क्वेयर नेगेटिव 4 इंटू 1 इंटू 9, 3 का स्क्वेयर 9, 4 इंटू 9 36। तो 9 - 36 इज -27। अब हम x की वैल्यू में पुट करेंगे वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, 3। तो -3 प्लस माइनस √27 डिवाइड बाय 2a, a की वैल्यू है 1। तो -3, और 27 के हम फैक्टर बनाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। अब रूट में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो -3 प्लस माइनस 3 इसे बाहर और अंदर क्या रह जाएगा, -3 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया -3 प्लस माइनस 3 √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक्स की वैल्यू है -3 प्लस माइनस 3 √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है -1 और एक्स का कोफिशियंट है 1 और कांस्टेंट है -2। तो एक्स का फॉर्मूला नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac डिवाइड बाय 2a, चाहे हम यहाँ डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वेयर नेगेटिव 4ac। तो बी की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वेयर नेगेटिव 4 इंटू नेगेटिव 1, और सी कितना, नेगेटिव 2। तो 1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव 8। तो 1 - 8 इज -7। अब ये सभी वैल्यू एक्स में पुट कर देंगे, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव बी, तो यानी -1। अब डी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की है, -7, और ए की वैल्यू कितनी है, -1। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, -1 प्लस माइनस 7 आयोटा डिवाइड में -2। तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।
तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 3। और कांस्टेंट क्या है? 5। और एक्स का हमारे पास फॉर्मूला नेगेटिव बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइड बाय 2 है। तो पहले हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। डी क्या है? बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac, तो 3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 5, 9 माइनस 20, तो वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव 11। अब डी की वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट करेंगे, नेगेटिव बी, तो नेगेटिव 3 रूट ऑफ नेगेटिव 11 2 ऑफ ए, ए की वैल्यू है 1, नेगेटिव 3, और ये आ गया 11 आयोटा, क्योंकि रूट ऑफ नेगेटिव 1 किसका इक्वल होता है? आयोटा के, और डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।